डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि फेस्टिव डेज चल रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ फेशियल। मैंने आज तक कभी भी फेशियल ट्राई नहीं किया है, कभी भी पार्लर पे भी नहीं किया है एंड ऐसे घर पे भी कभी ट्राई नहीं किया है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं इस वीडियो पे करने वाली हूँ ट्राई फेशियल को। और ये है मेरा फेशियल किट जो कि है फ्रॉम एल्स गुडनेस। दिस इज फ्रॉम एल्स गुडनेस ड्रैगन फ्रूट ब्राइटनिंग फेशियल किट। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, जब मैं पर्पल से शॉपिंग कर रही थी तो मुझे ये दिखा एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा इसका पैकेजिंग एंड मुझे लगा कि ये ड्रैगन फ्रूट पाउडर है, जो डस्ट वाला पाउडर्स होते हैं फेस में लगाने के लिए, फेस पैक वगैरह के लिए, तो मुझे वो लगा तो मैंने उसको ले लिया। जब आया ये तो मैंने देखा ये फेशियल किट है, तो मैंने सोचा अब जब आ ही गया है तो इसे यूज़ कर ही लेते हैं, और जब यूज़ कर ही रहे हैं तो इसके ऊपर एक वीडियो भी बना लेते हैं आप लोगों के लिए। तो अभी मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये आता है कुछ ऐसे पैकेजिंग में, पिंक कलर का पैकेजिंग है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसके सामने में आपको इसके कुछ की पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड देन यहाँ पे नेट क्वांटिटी दिया हुआ है विच इज़ 34 ग्राम। और ये पीछे आपको इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट, डिस्क्रिप्शन, कैसे यूज़ करना है, सारा स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मिलेगा। आई होप मैं सही जगह पे मार्क कर रही हूँ। एंड यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पे कितना क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें आपको रिसीव होगा क्लेंजर जो कि है 6 ग्राम का, स्क्रब जो कि फिर से है 6 ग्राम का, टोनर मिलेगा आपको 6 ग्राम का, फिर आपको क्रीम मिलेगा एक अगेन 6 ग्राम एंड आपको एक मड मास्क मिलेगा जो कि है 10 ग्राम। नीचे की तरफ आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, देन शेल्फ लाइफ एंड देन MRP मिल जाएगा। इसका प्राइस है 125, बट इसको ऑफर में मुझे मिला था 81 रुपीज़ ओनली एंड पर्पल में ऑफर चलते रहते हैं तो आप कभी भी जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको आराम से ये 81-80 ऐसे में मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ड्रैगन फ्रूट कंटेन्स विटामिन सी विच एड्स इन स्किन ब्राइटनिंग, कैरेट ऑयल बैलेंस दी मॉइस्चर लेवल इन स्किन, शिया बटर कीप्स स्किन सॉफ्ट, स्वीटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। और ये सिंगल यूज किट है तो इसमें जितना क्वांटिटी आपको दिया रहेगा उसको आप एक ही बार यूज कर सकते हो, एक ही बार इससे आप फेशियल कर सकते हो। एंड लेट्स सी इसके अंदर में क्या क्या मिलता है मुझे। तो यहाँ पे ऐसे सैशे में आपको मिलेगा 5 सैशे के पैकेट्स, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ कि ये सब क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 करके ऐसे मार्क किया हुआ है स्टेप्स, आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड इसके पैकेट के ऊपर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इसे यूज कैसे करना है, क्लेंजर को कैसे यूज करना है, देन स्क्रब को कैसे यूज करना है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको यूज करने के लिए। सो इतना इंट्रोडक्शन काफी है, तो अभी ज्यादा लेट नहीं करके ये फेशियल को ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन अ डैम्प फेस जेंटली मसाज द क्लेंजर फॉर 3 to 5 मिनट्स, रिंस ऑफ विथ वाटर। तो मैं इसको छोटा सा कट करके अपने हाथों पे ले लूंगी एंड इसको अपने फेस पे मसाज करूंगी। मैंने डायरेक्टली ही अपने फेस पे इसको मसाज किया है, बट आप थोड़ा सा पानी जो है अपने फेस पे स्प्रिंकल करने के बाद इसको मसाज कीजिए। और सबसे अच्छा लगा है मुझे इसका क्लेंजर का जो फॉर्मूला है, ओह माय गॉड, ये इतना यूनिक फार्मूला है। ये ऐसे तो दिखता है लिक्विड ही, बट जब आप इसको अपने फेस पे मसाज करोगे आप देखोगे कैसे थोड़ा सा सॉलिड आपको बीड्स मिलेंगे। मैं कैसे समझाऊँ आपको, समझ में नहीं आ रहा है, बट यू कैन सी जितना आप इसको मसाज करोगे उतना ज़्यादा इसका जो बीड्स है वो निकलता है एंड दैट्स समथिंग रियली अमेजिंग एंड यूनिक। तो मुझे इसका क्लेंजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है और ये काफ़ी अच्छे से क्लीन भी करता है स्किन को, सो इट्स अ वेरी गुड क्लेंजर। मैं इसको अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में जो है मसाज कर रही हूँ। आप भी सर्कुलर मोशन यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है फेस मसाज के लिए स्पेशली। तो जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि हमें 3 to 5 मिनट्स तक मसाज करना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से मसाज करना है टाइम लेके अच्छे से। एंड ये काफ़ी अच्छे से डीप क्लीन करता है आपके पोर्स को एंड फ्रेश फील होता है स्किन। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक आफ्टर क्लेंजिंग। मेरी स्किन जो है काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। नाउ द सेकेंड पार्ट इज स्क्रबिंग,
और यहाँ पे लिखा हुआ है मसाज दी स्क्रब ओवर डैम फेस फॉर 3 to 5 minutes अगेन, रिंस ऑफ विद वाटर एंड पैट ड्राई। सो इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ा सा थिक है एंड इसके अंदर आपको मिलते हैं छोटे छोटे बीट्स जो है स्क्रबिंग बीट्स। तो इसको मैं अपने हाथ में लेने के बाद अपने फेस में अप्लाई कर लूँगी एंड इट्स अ वेरी क्रीमी एंड थिक कंसिस्टेंसी और उसके अंदर आपको छोटे छोटे स्क्रबिंग बीट्स मिलते हैं जिससे आपकी पोर्स को अच्छे से स्क्रब करेगी ये और अच्छे से क्लीन कर पाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा माइल्ड स्क्रबिंग करती है सो ये बिल्कुल भी हार्श नहीं होगा स्किन पे। और मैं आपको बता दूँ कि ये सारे के सारे बहुत ही अच्छा स्मेल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट स्मेल है, आपको लगेगा कि आप हेवन में आ गए हो, इतना अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है। एंड आप देख सकते हो ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है अपने माउथ के अपर लिप एंड द लोअर लिप के एरिया में भी एंड हर जगह पे आपको सर्कुलर मोशन का यूज़ करना है। सर्कुलर मोशन से बहुत अच्छे से स्क्रबिंग होती है एंड डर्ट्स एंड पार्टिकल्स जितने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है वो सब अच्छे से निकलती है। सो यूज़ दी सर्कुलर मोशन टू मसाज इट। फिर आप अपवर्ड मोशन भी यूज़ कर सकते हो तो मसाज के लिए एंड ये देख सकते हो आप मैं कैसे कर रही हूँ, मेरे हाथों से गालों को मेरे चीक्स को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही हूँ। तो आप ऐसे करके मसाज कर सकते हो, इससे जो है आपकी चीक्स जो है वो लिफ्टेड होती है एंड आपको लग सकता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा हार्शली मसाज कर रही हूँ, वीडियो में ऐसा आपको फील हो सकता है बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई वॉज़ वेरी लाइट ऑन माई हैंड्स एंड आपको याद रखना है कि स्क्रबिंग करने से पहले थोड़ा सा पानी जो है अपने फेस पे स्प्रिंकल कर लेना है, वेट फेस रहना चाहिए। आफ्टर मसाजिंग इट फॉर 3 to 5 minutes आई एम गोइंग टू रिंस इट ऑफ विथ नॉर्मल वाटर। फेस जो है काफ़ी अच्छा फील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रही थी। कितने सारे स्टेप्स होते हैं, मैं 2 करते करते ही थक गई। नाउ द थर्ड स्टेप इज टोनर और यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई दी टोनर ऑल ओवर दी फेस, मसाज इट फॉर 2 to 3 minutes, वाइप ऑफ दी एक्सेस टोनर विद मॉइस्ट कॉटन। क्या ज़रूरत है वाइप करने की, जस्ट क्या ज़रूरत है, रहने दो यार। सो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होता है टोनर का, वाटर बेस्ड रहता है, बट ये जो है थोड़ा सा थिक बेस था और अच्छा था क्योंकि थिक बेस टोनर ना अच्छे से अप्लाई हो रहा था स्किन पे, ऐसे गिर नहीं जा रहा था पूरे फेस पे। सो इट वाज गुड, आई लाइक दी कंसिस्टेंसी ऑफ दिस टोनर। इट स्मेल्स सो नाइस एंड इजी टू अप्लाई है, थिक कंसिस्टेंसी होने की वजह से ये बिल्कुल भी फॉल नहीं करेगा, जो कि है मेस फ्री। एंड एक्सेस टोनर को वाइप आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो यार उसको। एंड ये ना जान ला रही थी स्किन पे, आप देख सकते हो ये एक प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है और काफ़ी हेल्दी लगती है स्किन। आवर स्टेप 4 इज द क्रीम और यहाँ पे लिखा हुआ है मसाज द क्रीम ऑल ओवर द फेस इन स्मॉल अपवर्ड एंड आउटवर्ड सर्कल्स फॉर 12 to 15 minutes, वाइप ऑफ एक्सेस क्रीम विद अ मॉइस्ट कॉटन पैड। नाउ द कंसिस्टेंसी इज वेरी थिक क्रीमी बेस कंसिस्टेंसी। नाउ द मैजिक थिंग इज इसको आप अप्लाई कर लोगे अपने फेस पे एंड आप इसको जितना भी मसाज करते हो उतना इसके अंदर से एक ऑयल निकलता है विच इज अमेजिंग, मुझे तो काफ़ी एक्साइटिंग लगा है। इसको जितना मैं मसाज किए जा रही थी और उतना ही इसके अंदर से एक ऑयल निकल रहा था एंड वो ऑयल पूरा ग्लोवी 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 बना दे रहा था मेरे स्किन को, बहुत ही मज़ेदार है। तो जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है एंड आउटवर्ड सर्कल्स में, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन और ऐसे सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल करेंगे इसको मसाज करने के लिए एंड इसको हमें काफ़ी अच्छे से मसाज करनी है, 12 to 15 minutes तक अच्छे से मसाज करना है आपको स्किन पे और ज़्यादा हार्शली मसाज मत कीजिए बट टेक योर टाइम और धीरे धीरे आप इसको मसाज कीजिए बहुत ही अच्छे से एंड आप देखना इसके अंदर से जो ऑयल निकलती है इट विल रियली ग्लो करेगा आपके स्किन पे एंड टू योर नेक एज वेल। सारे प्रोडक्ट्स को ही आप अपने नेक पे मत भूलिए, आपको सारे प्रोडक्ट्स को ही अपने नेक पे भी यूज़ करना है एंड आपको याद रखना है कि आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है ना ही कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपको काफ़ी लाइटली एंड जेंटली जो है मसाज करना है, डोंट बी हार्श ऑन योर स्किन एंड आप देख सकते हो एक नाइस ग्लो आ गया है मेरी स्किन पे। Our final step is step 5 which is mud mask और यहाँ पे लिखा हुआ है gently apply a thin layer of mud marks all over the face, wait for 15 minutes or till the mud marks dries and wash off with water, pat dry।
नाउ इट इज़ अ क्ले कंसिस्टेंसी बेसिकली, और इसको मैं अपनी अप्लाई कर लूँगी चीक्स में एंड हर जगह पे, और इसका थिन लेयर मैं अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पे अच्छे से, लाइक कोई भी पार्ट को आपको छोड़ना नहीं है, और आपको इसे रखना है अपने फेस पे 15 मिनट्स तक और अंटिल इट्स ड्राई. सो व्हेन इट विल ड्राई यू कैन वॉश इट ऑफ विद नॉर्मल वाटर एंड देन पैट ड्राई योर स्किन. एंड आप लोग अभी मुझे देख के डर मत जाना बिल्कुल. इट फील्स सो गुड ऑन दी स्किन एंड काफ़ी हेल्दी फील होता है आपकी स्किन को, एंड आप देख सकते हो आफ्टर इफेक्ट इज सो गुड. आई रियली रियली लाइक्ड इट द वे माई स्किन लुक्स लाइक. नाउ माई स्किन इज रेडी फॉर एनी स्पेशल ओकेजन. इसको यूज़ करने के बाद लाइक थोड़े हाफ एन आवर एंड वन आवर के बाद मेरे स्किन पे एक अलग से नेचुरली ग्लो आ रहा था, मतलब एक पिंकिश ग्लो आ रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था. एंड दैट्स समथिंग वेरी वेरी नाइस अबाउट दिस प्रोडक्ट. आई डोंट नो ये हर फेशियल में होता है कि नहीं, बट ये इसमें मेरे को बहुत ही अच्छा लगा. लाइक कुछ टाइम बाद आपको एक अलग से ग्लो मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है स्किन पे. So this is what my skin looks like after using this facial kit. I really loved it. मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ये. ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है मेरी स्किन इसको लगाने के बाद, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, लाइक हाथ लगाने से लग रहा है कि वेलवेट वेलवेट जैसा फील आ रहा है. इट्स सो गुड. एंड सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग इसका क्लेंजर लगा है. लाइक मैंने ऐसा क्लेंजर कभी यूज़ ही नहीं किया है. लाइक इट्स टोटली डिफरेंट एंड बहुत मज़ेदार है. आई जस्ट लव द क्लेंजर एंड बाकी सारे ही मेरे को सारे के सारे प्रोडक्ट्स ही बहुत ही अच्छे लगे हैं. एंड आप देख सकते हो इसमें अभी भी बचे हुए हैं. लाइक इसको मैं एक और बार यूज़ कर सकती हूँ. सो मैं सोच रही हूँ मैं मम्मी पे ट्राई कर लूँगी. एंड इसे आप दो बार तो आराम से यूज़ कर सकते हो, लाइक कोई टेंशन नहीं होगी. दो बार इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो. एंड मैं ये प्रोडक्ट को हाईली 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 रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना थोड़ी सी पिंपल प्रोन है एंड थोड़ी सी सेंसिटिव भी है, बट ये मेरी स्किन पे कुछ भी इरिटेशन नहीं किया है एंड बिल्कुल भी कुछ भी, मतलब कुछ भी ख़राब नहीं किया है. एंड उल्टा बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरी स्किन. मेरे को ईजी टू यूज़ है एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है इसको यूज़ करने के बाद. आप देख ही सकते हो आपके सामने है रिजल्ट. एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये. और 125 रुपीस है, पर ऑफर में आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा. लाइक 100 के अंदर तो आपको मिल ही जाएगा. मेरा तो 81 लिया था जो कि बहुत ही कम प्राइस है. आपको भी मिल जाएगा. और इसको आप दो बार यूज़ कर सकते हो. एक बार एक महीने में एक बार कर लिया, नेक्स्ट मंथ में फिर से आप कर सकते हो. सो मुझे लगता है ये पूरा वर्थ इट है बिल्कुल. और मुझे अगर कभी भी फेशियल करने का मन करेगा तो फिर मैं ज़रूर इसको रीपर्चेस करूँगी. मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है ये. मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है फर्स्ट टाइम लाइफ में फेशियल करने का. एंड ये किट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है. और ये जो 5 प्रोसेस होते हैं लाइक क्लेंजिंग फिर स्क्रबिंग फिर क्या क्या है, तो ये सब भी मुझे बहुत अच्छा लगा है करके. एंड आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो. काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है ये. सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट. आई विल लिंक दी प्रोडक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे. अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो. मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए करने वाली हूँ. सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.